लाल सागर में हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका और यूके ने एक बार फिर कार्रवाई की है। दोनों देशों ने यमन में हूती टारगेट पर जॉइंट एयर स्ट्राइक किया है। इसमें अंडरग्राउंड स्टोरेज साइट और हूतियों की मिसाइलें और निगरानी क्षमता को भी ध्वस्त किया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन की एयरफोर्स ने जब से उनके हथियार वाले ठिकानों को निशाना बनाया है, उसके बाद से ही हूतियों ने यूके और अमेरिका से खुला पंगा ले लिया है। यमन के हूतियों ने आक्रोश में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हूतियों ने अमेरिका और यूके को धमकी दे डाली है, जिसके परिणाम बहुत ही घातक होने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यमन के हूती समूह ने कथित तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों को एक महीने में उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों से निकल जाने का अल्टीमेटम दिया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर मंगलवार को कहा कि हूती ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से कहा कि उसके अमेरिकी और ब्रिटिश कर्मचारी अवांछित हैं और उन्हें हूती के कब्जे वाले क्षेत्र में वापस नहीं लौटना चाहिए। बता दें कि हूती समूह ने लाल सागर में इसराइल से जुड़े जहाजों को तब तक निशाना बनाना जारी रखने की कसम खाई है जब तक कि इसराइल फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी पर अपने हमले और नाकाबंदी बंद नहीं कर देता है।